मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कल्याण में शराब का अड्डा चलाने वाले एक व्यक्ति की गुंडागर्दी सामने आई है। कुलसेबाड़ी पुलिस की हद में आने वाले विजयनगर में सोमवार की देर रात अजीत जाधव नामक एक युवक पर शराब का अड्डा चलाने वाले अमोल भंडारी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अजीत पर जानलेवा हमला कर दिया है। आरोपी को यह संदेह था कि अजीत जाधव उसके शराब के अड्डे के खिलाफ पुलिस में शिकायत करता है। महज शक की बुनियाद पर आरोपियों ने अजीत को बेरहमी से पीट पीट कर घायल कर दिया है। घायल अवस्था में अजीत को चक्की नाका स्थित स्टार सिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में कुलसेवाड़ी पुलिस ने मुख्य आरोपी अमोल भंडारी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। वही दूसरी खबर यूपी के गोंडा देहात कोहली जंगल का है, जहां दबंगों ने कई साथियों के साथ शादी के दिन घर में चढ़कर जानलेवा हमला बोल दिया है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट की घटना की सूचना देहात कोतवाली पुलिस को मिली और घायलों को देहात कोतवाली पुलिस ने जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पेड़ काटने को लेकर ये विवाद हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत के नाम पर सिर्फ एनसी ली गई है। मेरा नाम देव प्रकाश है, मैं कोयली जंगल मुरानपुरा का रहने वाला हूँ। हमारे घर में हमारे भाई की शादी थी, हमारे जो घर हुई था उस पर पेड़ लगा हुआ था और वो लोग ज़बरदस्ती हमारा पेड़ कटवा लिए। और जब हम उसको थाने पे गए तो थाने के इंचार्ज बोले अपना पेड़ ले जाओ, तो वो लोग फिर जबरन आके यहाँ पे मारने पीटने लग गए। और हमारे मौसिया मुन्ना लाल को भी मार दिया, हाथ टूट गया और मौसी का हमारे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसकी शिकायत आपने कहीं की? उसकी शिकायत हमने खुरासा पुलिस को फ़ोन किया था, मौके पर पहुँची। उसके बाद में फिर वो लोग वहाँ से थाने वाले वहाँ से हमारे भाई को हमको और बैठा के लेके चले गए। वो लोग थाने में सारी रात हम लोगों को बंद करके रखे। हमारे भाई को यहाँ पे पलटी होने लग गई, तब भी उनको दाखिल नहीं कर रहे थे, कह रहे थे नहीं लेके चलो इनको थाने पे। फिर किसी तरह हाथ पैर जोड़ रहा। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं साहब, जितने ठाकुर के लड़के थे सारे के ऊपर सुनवाई हो, उचित हमको न्याय मिले।